नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम राइफल्ड स्लग का आपको परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं 50 मीटर पर। इस बुलेट में एक डिफेक्ट था, लोग कह रहे हैं कि शक्तिमान कंपनी ने इसको इम्प्रूव किया है। पहले टम्बलिंग होता था, इसके चलते ये हमारे लिस्ट से बाहर था। तो एक पैकेट लाए हैं और हम टेस्ट कर रहे हैं, और इस टेस्ट का रिजल्ट आप भी देखिएगा कि क्या इसका परफॉर्मेंस है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, टम्बलिंग होता है कि नहीं। इसके पहले जो हमने जीरो किया था शॉटगन का, ये शॉटगन स्कोप है इसमें, उस ये स्पेरिकल बॉल से किया था और इसका ये परफॉर्मेंस था, इसका ये परफॉर्मेंस था। तब से उसी जीरो पर हम राइफल्ड स्लग को चलाने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि गांव आए हुए हैं और ये एरिया ठीक नहीं है सेफ्टी के ख्याल से। अब हम चल के देखेंगे कि ये क्या एक्यूरेसी दिया। चलो भाई जरा टारगेट की तरफ। अरे टम्बलिंग नहीं हुआ, ये दाहिना खींच रहा है, उसमें भी दाहिना ही ये था, थोड़ा सा यहाँ पर था तो दाहिना खींच रहा है। इट इज डिफेक्ट ऑफ जीरोइंग, हमको दो क्लिक मारना होगा लेफ्ट। खैर वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, यू कैन यूज इट। ये हमारे गांव का रेंज है, गांव का नहीं मैंने हमारे गोतिया का ही, हमारे परिवार के लोगों का ही है, और पीछे जंगल है। यहाँ हम आते हैं तो बिग बोर का प्रैक्टिस करते हैं और जंगल भी घूमते हैं। हो सकता है कि हम एक दो दिन में आपको हम जंगल भी दिखाएं। यहाँ एक देवता का स्थान है, ये हाइना और लेपर्ड बियर ये इसमें अवेलेबल है, और सुअर तो मत पूछिए, हॉरेबल है। चलिए फिर मिलेंगे।